कोई भी देश तभी ताकतवर हो सकता है जब उसकी सेना शक्तिशाली हो, और सेना शक्तिशाली होती है हथियारों से। आज दुनिया में ऐसे खतरनाक हथियार विकसित हो चुके हैं जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नाश कर सकते हैं। ऐसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट में सबसे ऊपर है मिसाइल। आज NMF न्यूज आपको ऐसे 10 खतरनाक मिसाइलों के बारे में बताने जा रहा है जिसे एक बार दागने पर ही पूरा देश काल के गाल में समा सकता है। LGM-30 माइन्यूट मैन अमेरिका की सबसे कैपेबल मिसाइलों में से एक है। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है और ये एक साथ 3 परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है जो 3 अलग अलग लक्ष्यों को भेद सकते हैं। BGM-109 टॉमहॉक अमेरिका के सबसे खास हथियारों में से एक है। BGM-109 टॉमहॉक ये मीडियम से लॉन्ग रेंज तक मार करने की सबसे खतरनाक मिसाइल है। टॉमहॉक 1500 किलोमीटर की दूरी से अपना लक्ष्य साधकर हमला कर सकती है। टॉमहॉक ने सबसे पहले 1991 के खाड़ी युद्ध में अपना जौहर दिखाया था। उस युद्ध में अमेरिका ने 288 टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल कर दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। R-36 सोवियत रूस के जमाने से दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है R-36। इस मिसाइल के दम पर सोवियत रूस ने अमेरिका पर बढ़त बना ली थी। ये एक साथ 10 से ज्यादा ठिकानों पर निशाना साधने में सक्षम है। ये मिसाइल 10,200 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। IRIS-T नई जनरेशन की सबसे मारक मिसाइल है IRIS-T। इसकी क्षमता 25 किलोमीटर तक ही मार करने की है, लेकिन लेजर गाइडेड तकनीक के दम पर यह 100% लक्ष्य को भेदती है। इस मिसाइल को जर्मन मूल की डायल कंपनी ने कई देशों जैसे ग्रीस, इटली, कनाडा, नॉर्वे और स्पेन के साथ मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। फिलहाल यह मिसाइल सिर्फ 290 किलोमीटर तक ही मार करने में कैपेबल है, लेकिन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की कैटेगरी में दुनिया की उन गिनी चुनी मिसाइलों में से एक है जिसे पानी, जमीन, हवा कहीं से भी दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की तैनाती भारतीय सेना की 3 सेनाओं में है। इंडिया की सबसे दूर तक मार करने वाली मिसाइल है Agni-5। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में कैपेबल होने के साथ ही कई लक्ष्यों को निशाना बनाने में भी सक्षम है। इसकी रेंज 5,500 किलोमीटर है, जिसे 7,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। इसी साल ये मिसाइल भारतीय सेना में शामिल हो जाएगी। Python-5 रोफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से लैस Python-5 फिफ्थ जनरेशन की एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। यह मिसाइल बहुत कम दूरी के लक्ष्यों को बेहद सटीक तरीके से तबाह करती है। पैथन मिसाइल अपनी रेंज और मारक क्षमता के लिहाज से दुनिया की सबसे मारक मिसाइल होने का दर्जा रखती है। इस मिसाइल का सबसे पहले इजरायली सेना ने लेबनान वॉर में इस्तेमाल किया था। Python-5 मिसाइल को दुनिया के 15 ताकतवर देश अपनी सेना में रखते हैं। AIM-120 MRAM अमेरिकी कंपनी रेथियाम ने AIM-120 को रेथियाम बनाया है। इसने इराक, बोस्निया और कोसोवो में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। यह मिसाइल दुनिया में हवा से हवा में मार करने वाली सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों में से एक है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया के 36 देश कर रहे हैं। भारी वॉरहेड ले जाने की वजह से एक साथ कई जगहों पर तबाही मचाने में सक्षम है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।